हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ एक स्मार्ट स्पीकर का, जिसका नाम है मी स्मार्ट स्पीकर। सामने 29 सितंबर को इस स्पीकर को इंडिया में लॉन्च कर दिया था और इसकी प्राइस 3499 मतलब 3500 रुपीज से, जिसको आप फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको न्यू स्मार्ट स्पीकर परचेस करने के लिए प्लानिंग है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको भी चॉइस का स्पीकर मिल जाएगा। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखते ना, वीडियो आपको अच्छा लगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लाइक कर देना और मैं इस तरह से न्यू मोबाइल लॉन्च के बारे में, न्यू गैजेट के बारे में एंड न्यू टेक्नोलॉजी का अपडेट के मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और हर बार की तरह ये स्मार्ट स्पीकर आप में से किसी का हो सकता है, उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है आपको स्पीकर क्यों चाहिए, साथ में आप अपना ईमेल आईडी मेंशन करना, मत भूलो मैं वो कॉन्टेक्ट कर पाऊं। सो नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं मी स्मार्ट स्पीकर का अनबॉक्सिंग। तो ये रहा मी स्मार्ट स्पीकर का बॉक्स। से सामने आपको Xiaomi की ब्रांडिंग मिलती है, बाजू में इसका को मॉडल ने मी स्मार्ट स्पीकर लिखा मिलता है और बॉक्स के पीछे आपको इस स्पीकर के सारे फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसको हम आगे वीडियो में चेकआउट कर लेंगे। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। अनबॉक्सिंग करते सबसे पहले मिलता है एक यूजर मैनुअल। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख ले तो आपको मैनुअल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आपको मिलता है पावर एडेप्टर, जिसको आप अपने नॉर्मल हाउसहोल्ड प्लग में अटैच करके रख सकते हो। और दूसरी साइड में आपको मिलता है एक चार्जिंग पिन, इसको आप इस तरह से अपने स्पीकर में पीछे कनेक्ट करके रख सकते हो। और इस स्पीकर में आपको कोई भी बैटरी मिलती नहीं, सो इसको आपको ऑलवेज अपने पावर एडेप्टर से कनेक्ट करके रखना होगा। और ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट, हमारा मी स्मार्ट स्पीकर। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन एंड मटेरियल क्वालिटी के बारे में। ये स्पीकर ओनली आपको ब्लैक कलर में अवेलेबल है। इसका वेट 835 ग्राम है, जो आपको थोड़ा हैवी लग सकता है। सामने आपको MI की ब्रांडिंग मिलती है, नीचे आपको चार रबर पैड मिलते हैं, जिससे आपको काफी अच्छी आपको ग्रिप मिल जाती है। और स्पीकर के ऊपर आपको चार बटन्स मिलते हैं, साइड में आपको दो माइक्रोफोन मिल जाते हैं। और यहाँ पे काफी अच्छी क्वालिटी वाला स्टील यूज किया गया, यहाँ पे काफी अच्छा आपको प्लास्टिक भी मिल जाता है। और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको इंडिकेटर लाइट मिलती है राउंड शेप में, जो आपको बहुत ही कूल एंड प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। इस स्मार्ट स्पीकर में आपको ब्लूटूथ 4.0 एंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है। अपने स्पीकर को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चार्जिंग केबल को अटैच कर देना है इस तरह से, और यहाँ पे अपनी इंडिकेशन लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो अभी स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपके अपने फोन का ब्लूटूथ एंड वाईफाई को ऑन कर देना है इस तरह से, और यहाँ पे सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाके गूगल होम ऐप को इंस्टॉल कर देना है। ये रही गूगल होम ऐप, सिंपली मैंने इसको डाउनलोड करके रख दिया। ये आपको iOS एंड Android दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। सो ये ऐप स्टार्ट हो गई। उसके बाद आपको प्लस के आइकॉन पे जाना है, यहाँ पे आपको सेटअप डिवाइस पे जाना है और न्यू डिवाइस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे भी डिवाइस को सर्च कर रहा है। यहाँ पे आ गया मी स्मार्ट स्पीकर फाउंड। यहाँ पे सिंपली आपको यस पे क्लिक कर देना है। अभी हमारा स्पीकर हमारे वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट हो रहा है। इस स्पीकर का यूज़ करने के लिए आपको कंपलसरी आपके घर में वाईफाई राउटर होना बहुत ही कंपलसरी, तो इसको आप स्मार्ट तरीके यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे कनेक्टिंग टू वाईफाई अभी हो रहा है, कनेक्टेड हो गया। सो अभी हमारा स्पीकर कनेक्ट हो गया, पूरा स्मार्ट बन गया। जैसे आप देख सकते हो, ओके गूगल, हाउ आर यू टुडे? Today's been inspiring. I've learned about a lot of different things. How may I help? नेक्स्ट बात करते हैं सारे बटन्स के बारे में। यहाँ पे आप प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके वॉल्यूम को अप कर सकते हो, यहाँ पे माइनस के आइकॉन पे क्लिक करके वॉल्यूम को डाउन कर सकते हो। इस बटन को क्लिक करके आप अपने सॉन्ग को प्ले या पॉज कर सकते हो, और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके आप The mic is muted. आप दोनों माइक्रोफोन को म्यूट कर सकते हो, जैसे इस स्मार्ट स्पीकर ने आपको खुद ही बता दिया। और यहाँ पे आपको दो फार फील्ड आपको माइक्रोफोन मिल जाते हैं, सो आप अगर आपने दूसरे रूम में हो तो भी आप इस स्पीकर को बहुत ही आराम से एक्सेस कर सकते हो। अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ। हाँ पता चल गया स्मार्ट स्पीकर। सो नेक्स्ट अभी हम इस स्पीकर की साउंड क्वालिटी को चेक करते हैं। इसके अंदर आपको 12 वाट का ऑडियो आउटपुट मिलता है, साथ में आपको 63.5 mm के आपको ड्राइवर्स मिलते हैं। साथ में आप इस स्पीकर में बहुत ही अच्छी तरह से कॉलिंग कर सकते हो। अभी हम इसके अंदर एक सॉन्ग को प्ले करते हो, चेक करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसे, आप खुद लाइव चेक कर सकते हो।
आपको इस स्पीकर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। इसमें आपको गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, साथ में आपको इन बिल्ट क्रोम कास्ट मिलता है, साथ में इसमें आप अलार्म रख सकते हो, रिमाइंडर रख सकते हो और यहाँ पे वो और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। साथ में आप अपने और भी गूगल स्मार्ट डिवाइस को भी इससे कंट्रोल कर सकते हो। सो आपको स्पीकर काफी अच्छा मिलता है, काफी स्मार्ट मिलता है। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद है, तो वीडियो को आप लाइक कर देना, साथ में आप सब्सक्राइब करके दिए हुए पार्ट देना मत भूलना। अगर हम सब्सक्राइब कर ले तो मिलते हैं अगले वीडियो में।